थोड़ा साउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साउंड दो ही प्रकार है, दो तरह का, एक है वॉवेल साउंड और एक है कंसोनेंटल साउंड। जो माउथ से हम साउंड करेंगे, अगर माउथ का एक पार्ट दूसरे को टच किया, छुआ, तो कौन साउंड होगा? कंसोनेंटल। हेल्प लिया, अगर ना हुआ वॉवेल साउंड, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में 44 साउंड है, कितने साउंड है टोटल? 44, 44, 44 प्रकार, ठीक। और हर साउंड के एक सिंबल है, क्लियर हो गए। वॉवेल साउंड 20 है और कंसोनेंटल साउंड 24 है, ये मिलके 44 हुए, समझ में आ गया। एवरी साउंड हैज अ सिंबल, क्लियर हो गए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी को हम जब जाते हैं कोई वर्ड को लेकर, क्लियर। सो वर्ड को हम एंट्री कहते हैं, क्या कहते हैं? एंट्री, उसको याद रखना। मैं अगर कैट वर्ड लिया, उसको लेकर डिक्शनरी के पास गया, तो वो वर्ड मेरे लिए क्या हुआ? एंट्री, इसको याद रखना। और डिक्शनरी को हम क्यों जाते हैं? हमें याद रखना है डिक्शनरी में तीन इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, पाते हैं, क्या है? पहला साइन, अब थ्री एस को याद रखना। फर्स्ट एस रिफर्स टू साइन, साइट का मतलब है दृश्य, देखने में कैसा है, मतलब वो पूरा वर्ल्ड का चित्र कैसा है, तो इसलिए हम इसको साइट बोलते हैं। आप स्पेलिंग उसको कह सकते हैं, कौन लेटर के बाद कौन लेटर, लेटर, हाँ। दूसरे को हम साउंड कहते हैं, सेकंड एस से साउंड हो गया। ये प्रोनंसिएशन कैसा है उसका, देखने में कैसा है, साउंड कैसा है, जो भी दिखे वो पढ़ा नहीं जाता, साउंड बोला जाता है। साउंड को देखने के लिए आपको प्रोनंसिएशन चाहिए, ठीक है। और तीसरा है सेंस, मीनिंग, इसको याद रखना। आप जब भी डिक्शनरी में जाते हैं केवल मीनिंग को ढूंढते हैं, ये दो चीज नहीं ढूंढते। और तीनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है साउंड, क्लियर हो गए, जो के सिंबल में लिखे जाते हैं और ऐसे दो स्लैंड्स के अंदर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ये लिया हूं, कैट लिखा है सी, पर यहां पे सी का साउंड ये कहीं नहीं लिखा, स्लैंड्स के अंदर 44 सिंबल लिखे जाते हैं, इसका साउंड है क और ये है ए, ये है ट, क ए ट कैट, पर वर्ड में लिखा सी ए टी, क्लियर। इसको मैं से टी पढ़ता हूं क्या? नहीं, क्या पढ़ता हूं? का ए ट कैट। सो कौन इंपॉर्टेंट रोल है किसका यहां पे इंपॉर्टेंट रोल है? साउंड का, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सेंस होते हैं, मीनिंग होते हैं, बिल्ली बिल्ली लिखा, हाँ। तो आप अगर अच्छा इंग्लिश करना चाहते हैं तो अच्छी डिक्शनरी को फॉलो करेंगे, जिसमें ये सिंबल का होना जरूरी है, हर डिक्शनरी में नहीं होता, ठीक है। तो जब खरीदेंगे डिक्शनरी, उसको मार्क करेंगे ये वाला है या नहीं, क्यों हम ये लिखते वर्ड है और पढ़ते इसको, क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आज हम एक चीज लिए हैं सी। सी इज द थर्ड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का तीसरा नंबर लेटर का नाम सी है। सी के दो साउंड हैं, अब बचपन से पता है आपको, पर इसके अंदर नहीं गए थे कि कैसे काम किया जाता है। आज हम सीखते हैं सी का साउंड कहीं पे का होता है और कहीं सा होता है। सी के बाद एच नहीं होना, सिर्फ सी होना, सी को सी के जस्ट बाद एच नहीं होना, वो अलग है। सिर्फ सी लेटर के बाद कौन कौन लेटर वॉवेल में आए, कैसा साउंड हो और कहां पे एक्सेप्शन है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर हो गए। एक टीचर थे,
जो बहुत पुराने टीचर जो घर घर घूम के ट्यूशन करते हैं, बहुत टीचर्स ऐसे हैं, तो बेचारे बूढ़े टीचर्स वो ऐसे घूम घूम के ट्यूशन करते थे घर घर जाकर, और उनके जिसको अभी पढ़ा रहे थे उनके बड़े भाई को भी पढ़ाते, तो 20 साल से वो ट्यूशन पढ़ाते थे, फेमस थे हर जगह। तो जो छोटा भाई था, आजकल के बच्चे बहुत चालाक हैं, अगर आपको मोबाइल उनको एंड्रॉइड दे दिया जाए वो भी चला देते, रूम ही पाते, ठीक है। तो छोटा भाई को वो पढ़ा रहे थे कि दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, तो सर्कल किया सेंटर किया, बोला दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। बच्चा बोला नहीं नहीं सर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो टीचर गुस्सा हो गए, बार बार बोला, तो टीचर को गुस्सा आया, बोला आजकल के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बहुत दुष्ट है ये, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते, पहले के बच्चे टीचर जो बोलता था वो मान लेते थे, उसको एक्सेप्ट करके डर डर के घोस घास के देते थे, जैसे चला बहुत जगह, पर अभी के बच्चे वो दुष्ट है, सवाल करने लगते, मैं पढ़ाता हूँ सेंटर, पढ़ता है केंटर, हाँ, और ये सर्कल बोलता है ककल, हाँ। तो जितना बोला वो नहीं मान। अब ऐसा बच्चा सही पढ़ेगा जो सवाल करे, क्लियर हो गए। अब बच्चा को जितना समझाया वो कि बाबा ये सा पढ़ो सेंटर, बोला नहीं नहीं ये केंटर, तो बोले सर्कल, बोला नहीं ये ककल है, सर्कल नहीं हो सकता। बोला कैसे जाना, सर जी आप ही मुझे कुछ दिन पहले पढ़ाया था सी से कैट होता है, तो यहां भी सी से ककल और केंटर होगा, अब समझाओ यहां अगर कैट हुआ यहां सकल क्यों हुआ। टीचर का दिमाग में और सवाल घूमता रहा, जवाब कुछ नहीं, उनके समझ में नहीं आ क्यों। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टीचर को बहुत गुस्सा आया, बाहर चले गए, बड़े भाई को पूछे कि देख रहे तू तो बहुत शांत थे आजकल पीला पढ़ो ना, तो समय कितने भला पढ़े तो भला पीला था, हाँ। तो बोला सर कौन है ला? ना उधर छोटा भाई पे उनकी पढ़ो जी सर्कल दुता वो सेंटर, पर वो कहो जी सर्कल से कहो जी ककल, अब सेंटर कहो जी केंटर, अरे इनकी कहीं ये ला ना हम उधर को ही पढ़े के लिए कैट सी रुक का, क्लियर। अब मुझे पढ़ना थी सर भूल कहा, तो इनकी पिला भला पढ़ेगा। टीचर को चलती ताकत करो, ये मुंह पचारू थी टीचर को दुई गोड़ी आ गया तो बोलो सी, मैंने समझा टीचर हमेशा बोलते हैं जो बच्चा कर लियो ना तू गधो, मैं उसको पूछता हूँ गधे का तो दुम होता है, इसका तो दुम नहीं है, गधे के चार पैर है इसकी तो नहीं, अब बोलो बड़ा गधा कौन है, जो इंसान को गधा बोले वो गधा है, नहीं समझा। और वो हंसता है वो ज्यादा, अब उसके समझ में आया कौन गधा बोलता है कहा, उनको समझा देना कि टीचर जी अगर आप मुझे ना पढ़ा पाए मैं गधा हूं, ठीक है, मुझे पढ़ाने वाला बड़ा गधा है, नहीं समझा। अगर बच्चा गधा हो, देखो खुद को गाली दे रहा है नहीं पता उसको, तो मैं टीचर से विनती करता हूं कि हमारे बच्चों को गधा नहीं बोलना, क्योंकि गधा बोलने वाला बड़ा गधा बन जाता है, उसको समझ में नहीं आता, ठीक है। अब देखिए तो टीचर बिगड़ गया, बाहर भाई को बोला कि ऐसे तेरा भाई अब पढ़ नहीं पाएगा, पर वही पढ़ेगा, अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो बड़ा भाई क्या बोलता है सुनिए, बोला सर ये हमें भला चलो, भला चलो हम सम्मान बोलते ना, आजकल कोई टीचर को सम्मान नहीं देता है, क्यों नहीं देता है ना, टीचर उनका सम्मान गवा दिया, हाँ। अगर टीचर पान खाए और बोले बच्चे क्यों पान खा रहे, बोला खुद नहीं खाना चाहिए, टीचर खुद गुटखा खा रहे बोल रहे मत खाओ,
तो पहले के टीचर पान गुटखा शराब ये वो इंटॉक्सिकेशन स्मोकिंग नहीं करते थे तो अच्छे थे सम्मान। आज टीचर खुद ही स्मोक कर रहा है छुपके और बच्चा को बोल रहा है सिगरेट पी ले कैंसर हो, ये बात का असर होगा नहीं होगा, इसीलिए टीचर का सम्मान नहीं होता है। अच्छे टीचर भी उसके अंदर है मेरे जैसे, जैसे मैं कुछ नहीं पानी नहीं खाता हूँ गुटखा नहीं खाता, तो टीचर के लिए बहुत डेडिकेशन होना चाहिए। आपको टीचर जैसे रहना चाहिए बच्चे देख के बन जाए, बोलना नहीं पड़े ठीक है। और बहुत टीचर है सम्मान को खोजते, अगर कोई मार्केट में जबरदस्त खड़े रहते बस अगर बच्चा अगर जाता है देखते हो वो साइकिल से उलझ के ना, अगर नहीं उतरा तो क्लास में जाके बोलते हैं तू बदमाश सही बोलो मत देखियो लेकिन। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जो इज्जत है ऑनर है सम्मान है अपमान के मत लिया की आप मार्केट में क्यों खड़ा होता है टीचर, जान के खड़ा होता है लोगों को दिखाता है मेरा बच्चा देखो उतरता है हाँ, अरे वो उतरेगा पीछे से ट्रक चढ़ जाएगा सम्मान देगा मर जाएगा, तो इसको समझना है सम्मान ऐसे नहीं होता सम्मान खुद से आएगा ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो बड़ा भाई क्या बोला टीच वो टीचर को कि आज ही काली लोग चिल्ड्रेन गुडी को खराब है, देखो कहां कहां उड़ गया ना? बोला आजकल के चिल्ड्रेन और पढ़ाई नहीं करते हैं क्यों ना, वो टीचर वो बड़ा भाई को भी बोला था कि सी से का साउंड होता है, अब उसको यहां नहीं पता कि चा होगा, तो वो भी बोला कि आज ही काली लोग चिल्ड्रेन गुडी को खराब ठीक है। तो टीचर को गुस्सा आया भड़क गया, अब पिताश्री के पास गया मेरा हिसाब किताब करो, जब ट्यूशन टीचर को गुस्सा आता है एक ही वर्ड बोलता है हिसाब किताब करो मेरा पैसा उसा दे दो मैं चलता हूँ ठीक है। अब पिताश्री बोले सर सर आप 20 साल से हमारे घर पढ़ाते हैं, बड़े भाई को बच्चे को पढ़ाए छोटे को पढ़ाए क्या ऐसे प्रॉब्लम हुआ ना, छोटा भाई को मैं आज पढ़ाया सेंटर और सर्कल बोल रहा हूँ बोलता है केंटर का, अब बड़ा भाई को बोला तो बोलता है चिल्ड्रन को किल्ड्रन, गलती किसका है समझ गए हो क्या। अब पिताश्री क्या बोलते हैं देखिए कि सर आप 20 साल हो पढ़ा रहे हैं मेरे दो बच्चे पढ़ रहे हैं एक पढ़कर गया दूसरा पढ़ाए छोड़िए आपका हिसाब किताब करिए, और आजकल के बच्चों का और सिटी नहीं नहीं समझा समझ में आ गया, तो पिता समझे अगर ये सर्कल है ये सेंटर सा साउंड होता है ये चिल्ड्रेन बच्चा गड़बड़ कर दिया का बोल देता है ना, तो बोले शायद ये सी से सा होगा, तो बोले छोड़िए आप हिसाब करिए बच्चों का और सिटी नहीं, अब देखिए सी का साउंड किधर किधर जा रहा है ठीक है। तो आज हम उसको क्लियर करने जा रहे हैं, क्लियर नहीं क्लियर ठीक है, ये सी के बाद ठीक है अगर ए आए तो का होगा, सी के बाद अगर औ आए तो का होगा, सी के बाद अगर यू आए तो का होगा, तो सी के बाद आई है क्या हो जाएगा ये का कैप क्लियर, सी के बाद आई है यहां क्या हो जाएगा ये सा, अब समझ में कैप सी टी क्यों हुआ समझ में कैपेसिटी, अब ये सर्कल और सेंटर की ओर आते तो सी के बाद क्या क्या आए आपका पढ़ना ए आओ यू कैट कॉट का सी का साउंड का एट कैट का ऑट कॉट का अट काट ठीक है। अब आते हैं सी के बाद अगर ई आए आई आए जैसे वहां सेंटर और सर्कल में था ठीक है, तो सी के बाद ई है सी के बाद आई है और एक वाई लेटर 25th नंबर लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का जो सेमी वॉवेल बोलते हैं सी के बाद वाई आए तो हर जगह सा पढ़ना, जैसे यहां लिखा सेंट सा ए ना टा अ सेंट यहां साइलेंट है ये सेंटर सर्कल
सकला सकल साइक्लाउन, यहां वाई है उसके पहले सी है और सी के बाद वाला लेटर वाई, तो यहां पे काइक्लोन नहीं पढ़ना, साइक्लोन सा आई, इसको ठीक से लिख दीजिए दिखता नहीं, ऐसे कर सा आई का ला औ ना सा आई आई यही आई जैसे कर दीजिए का ला औ ना साइक्लोन, साइक्लोन नहीं है साइक्लोन, ये बात समझ में है? तो क्या सीखिए आज, इफ एनी वर्ड कम्स विद द लेटर सी एंड आफ्टर सी वी हैव ए ई औ यू, द साउंड ऑफ सी इज क, इफ वी हैव ई आई एंड द कंसोनेंट वाई वी शुड हैव टू मेक द साउंड ऑफ सी एज स, बट इन एक्सेप्शनल केसेस कहीं कहीं पे ये नहीं होता है थोड़ा जगह, जैसे इसको सौसर नहीं पढ़ना, सी के बाद औ है और दो सी है, इसको भी ध्यान देना दो सी, तो वहां पे दोनों सी का साउंड क्या हो जाएगा क सौकर, क्लियर हो गए, इसको सौसर सौक्सर ऐसे नहीं पढ़ना, सौस्कर नहीं हो सौकर एक का हो, अभी यहां पे दो सी है, पहला सी को क पढ़ना एक्सेप्ट एक्सेप्ट, क्लियर हो गए, इस तरह कुछ एक्सेप्शनल है, और यहां पे सी के बाद एक कंसोनेंट है ला, जैसे हम पढ़े सकल मंत्र, सी के बाद एल है, एल एक कंसोनेंट है, उसके पहले सी का साउंड का हुआ सकल न ससल कहते सकल न करसल कहते सकल, ठीक है, अब यहां पे एक्सेप्शन है, इसको मस्कल नहीं पढ़ना, ठीक है मस्कल, वहां पे सी साइलेंट, क्लियर हो गए, अब समझ में आ गए, हाँ तो आज हम सीखे सी का साउंड कहीं पे का होता है और कहीं पे स होता है, कहां पे का होगा जब सी के बाद वाला लेटर ए और यू वावेल आए तो क, ई आई वावेल आए तो स, और कंसोनेंट वाई आए तो स, बाकी जगह बहुत जगह क होता है, एल के पास पहले सी आए क, और कुछ कुछ जगह स, बहुत धन्यवाद।